लेने दी एक सेल्फी, सेल्फी को लेके ऑलरेडी बहुत गाने आ चुके हैं। सलमान का गाना तो बहुत ही फेमस रहा है जी। सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ सौरभ चौहान और ये गाना मैंने कंपोज किया है, गाया है और लिखा है और पिक्चराइज भी हो गया इस पर। तो ये गाना देखिए, आप बात आपकी बिल्कुल सही है कि सलमान खान जी का ऑलरेडी एक गाना आया हुआ है एंड वहाँ तक देखिए, वो वहाँ तक पहुँच पाना तो एक सपने की तरह है, वो तो सलमान जी तो सलमान जी है। मेरी एक बहुत ही एक हम्बल एक कोशिश है इस सॉन्ग के थ्रू, जिसमें कि यू नो एक दोस्ती यारी भी है, प्यार मोहब्बत भी है एंड द गाय इज़ जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस, हम सब सेल्फी लेना चाहते हैं और सेल्फी का क्रेज़ हमें सब अच्छे से पता है। तो मुझे लगा कि ये गाना थोड़ा सा यूथ को अच्छा लगेगा और आई गेस आप भी गाना सुनेंगे तो यू आर ऑल्सो गोना एंजॉय इट। तो इट्स अ हिप हॉप बीट पे है और द गाय इज़ जस्ट आस्किंग गर्ल की यार सेल्फी ले ले, सेल्फी ले ले। तो दैट इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड दिस सॉन्ग की ऐसा बनाएं गाने को कि जो हम लोग कहते हैं कि सेल्फी ले लेते हैं यार, सेल्फी ले लेते हैं और लड़की आपसे आपके साथ फ़ोटो खिंचा नहीं रही है तो लास्ट में जो होता है वो आपको वीडियो देख के पता लगेगा। एंड राइट नाउ द सॉन्ग इज़ लाइव एवरीवेयर ऑन सावन आईट्यून्स और विंग जियो पे भी आई जाएगा और वीडियो जो है प्रॉब्ली हम लोग कल तक रिलीज़ कर देंगे वीडियो को। राइट तो सबसे पहले जब आपने ये गाना बनाने के लिए सोचा तो कैसे थॉट आया कि इस तरह का भी कोई गाना होना चाहिए? और हमने देखा कि आप जो है वीडियो में सबसे पहले जाते हैं किसी म्यूजिक डायरेक्टर के जी, पास जी, जी, जी। तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके सर, पास सर? वो कैसा है, वो मेरा एक टू बी वेरी ऑनेस्ट एक वो पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा बट क्या होता है कि उसमें कोई गलती नहीं है। आई गेस म्यूज़िक लेबल के पास भी बहुत से लोग आते हैं और यू नो दिन भर वो डेली लोग सबसे मिल के आई गेस वो भी थोड़ा सा पक जाते हैं। तो मेरा अप्रोच भी ऐसी था, तो मैंने गाने सुनाए थे और दे डिडंट लाइक द सॉन्ग्स, तो सेट समथिंग कि यार कुछ आज का तड़कता भड़कता बनाओ। तो जब हम लोग वीडियो पे काम कर रहे थे तो उस समय हुआ कि क्यों ना ये कॉन्सेप्ट देखा जाए, सोचा जाए। तो विकी पाटिल जो हमारे डायरेक्टर हैं इस पूरे वीडियो के, तो वहाँ पे एक सजेशन हुआ कि क्यों ना यार ये चीज़ को इनकॉर्पोरेट करें। एंड तब जाके मैं एक सीन रखा गया है कि मैं लेबल के पास जाता हूँ और दे रिजेक्ट मी ऑन माय फेस एंड कहते हैं कि जाओ भाई कुछ अलग सा कुछ बना के लेके आओ, ये तो मुझे पसंद नहीं आया। तो देन उस पर गाना, वो पूरा एक स्टोरी है जो कि उसके पीछे, और थॉट प्रोसेस यही था कि यार कुछ ट्रेंडी बनाया जाए, यूथ को पसंद आना चाहिए। कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल गोइंग किड्स हैं, वो आई एम डेफिनेटली श्योर कि उनको बहुत पसंद आएगा अगर वो सुनेंगे। और बाकी जो है आप लोग का प्यार मिलता रहे, आशीर्वाद मिले, बस दैट इज़ व्हाट आई एम सीकिंग। एज अ सिंगर किससे ज़्यादा इंस्पायर्ड है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं बहुत, और यूथ में अभी बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, जैसे अरिजीत की बात करें, अंकित तिवारी की बात करें, तो किससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं? सर देखिए, नो डाउट अरिजीत हैं, अरिजीत हैं, अरिजीत तो बहरहाल कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, अरिजीत हैं, बहुत ही बहुत टैलेंटेड हैं और उन्होंने बहुत समय तक प्रीतम दा के साथ काम किया है और बहुत कुछ मतलब हम लोग सीखते हैं उनसे। और शंकर महादेवन जी हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, टैलेंटेड, शफकत अमानत अली जी हैं, तो ये कुछ सिंगर्स हैं जिनसे मैं मुझे बहुत सीखने का मतलब मैं बहुत सीखता हूँ उनको सुन सुन के। और बाकी म्यूज़िक कंपोज़र्स की बात करें तो सब एक से बढ़कर एक हैं एंड आई गेस बहुत कुछ सीखने को है यार, मैं कहीं पे भी मतलब दिस जस्ट अ बिगनिंग, मैं बहुत ही जूनियर हूँ अभी, बिल्कुल जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, तो आई नीड टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। ये एक हिप हॉप बेस्ड बॉलीवुड सॉन्ग हम लोगों ने कोशिश की है कि थोड़ा सा ट्राई कर रहे थे कि कुछ आजकल का जो बीट चल रहा है थोड़ा उस पर थोड़ा ट्राई करें, बाकी एट द सेम टाइम इन फ्यूचर रोमांटिक सॉन्ग्स भी बना रहे हैं हम लोग और बाकी डांस नंबर्स भी है, आइटम सॉन्ग भी है, तो सब पे काम चल रहा है। तो ये सॉन्ग अभी ये लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद फिर बाकी उस पर वन बाय वन अपडेट्स आते हैं। कितना पुराना गाना है या वीडियो है? जी, क्योंकि वीडियो में आप बहुत दुबले पतले लग रहे हैं और अभी आपका अच्छा सर, ये हम दोनों करीब 6-7 महीना पहले का गाना है और उसको क्या होता है कि जब आप शूट वूट करने लगते हो तो उसमें काफ़ी चीज़ें प्रोसेसिंग होती है, गाना तो तैयार हो जाता है, फिर शूट में हमको वर्क करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें हैं, फिर एडिट में जाता है। तो आप करीब 5-6 महीना हो गया है इस गाने को बनाए हुए, बट आई एम हैप्पी कि ये 2018 में अभी आ गया है
और अगर आप लोग सब सपोर्ट करेंगे जो आप लोग कर रहे हैं अभी, उसके लिए बहुत थैंक यू। तो आई गेस ये यूथ में बहुत अच्छा जाने के पोटेंशियल रखता है, बाकी प्रमोशन मार्केटिंग कैसे होती है वो भी डिपेंड करता है। तो वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। हमारे साथ डिजिट्यून्स जुड़े हुए हैं, डिजिट्यून्स ने ये सॉन्ग को सावन और iTunes और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें रिलीज़ कर दिया है, और वीडियो जो है हम लोग प्रॉब्ली कल तक निकाल देंगे। और जो हमारे साथ प्रोडक्शन हाउस जुड़ा है वो है फायर एंड वाटर क्रिएटिव सर्विसेज, और ये प्रोजेक्ट है इन एसोसिएशन विद ट्राई आवर ट्रिप, जो कि ट्रैवल एंड टूर्स पे बेस्ड है उनकी वेबसाइट एंड कंपनी, एंड YSA एंटरटेनमेंट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मौजूद हैं, क्या शुभकामनाएं देंगे इस मौके पे सौरभ को, उनकी टीम को? बहुत ही प्यारा इंसान है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग बना है, वेरी ऑडिबल, वेरी सूदिंग टू योर ईयर्स, मजा आ गया। And I wish him all the best from my heart, bottom of heart. And so I hope he'll do, in future also he'll do bigger than this. Definitely. कोशिश जारी है। Definitely. How proud you feel, you know, he came all the way just to wish you, just to. सर बहुत खुशी होती है क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम मिले थे, मुलाकात कर चुके हैं, तो मैंने बोला था सर टाइम मिले तो आप आइएगा, तो काफ़ी दूर से आए औरंगाबाद से, तो जस्ट उस स्क्रीनिंग के लिए आए, तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा सर मिलके, और उसके लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट वहाँ से आना और यहाँ पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एट द सेम टाइम जो फायर एंड वाटर क्रिएटिव सर्विसेज जो प्रोडक्शन हाउस हैं और उनकी ओनर रानी कश्यप जी हैं, तो मैम से भी आप पूछ सकते हैं कैसा लगा? फॉर एल्बम आई वॉन्ट टू से कि सेल्फी का मतलब होता है आत्ममुग्ध होना, और लोग आजकल जाते हैं सलून में और पार्लर्स में, बड़ा मेकअप वेकअप करके आते हैं, तो थोड़ा कैमरे पे भी आ जाएं और आत्ममुग्ध हो जाएं, थोड़ा सेल्फी ले लें और सौरभ चौहान के साथ ज़रा सेल्फी ले लें तो मज़ा आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से सौरभ चौहान की सेल्फी सबके लिए है, और सभी इंजॉय करें उसको, और सौरभ चौहान ऐसे ही आगे बढ़े तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। थैंक यू वेरी मच।